बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह अज़ीब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, भारत की मायानाज अदाकारा सनी लियोनी मुश्किल में फंस चुकी हैं और उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि जिससे भारत के अंदर एहतजाज सा होना शुरू हो चुका है। भारत की सोशल मीडिया पर आवाम ने उनकी गिरफ्तारी का जो है वो एक मुतालबा कर दिया। यहां पर अब भारत के जो नेता हैं, भारतीय सरकार जो है, उन्होंने भी सनी लियोनी के हवाले से सख्त बोल बोल दिए हैं। नाज़रीन इकराम, अब सनी लियोनी ने हरकत क्या की जिसके ऊपर भारत की आवाम आग गोला हो गई। अब जरा सुनिएगा और ये गिरफ्तार कैसे हो सकती है, कब तक हो सकती है, इसकी तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी घर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ ये कि भारत का एक गाना है मधुबन में राधिका नाचे, ये तकरीबन 1960 के अंदर ये फिल्माया गया, फिल्म के अंदर ये एक गाना था और जिसको ये हिंदू जो हैं बड़ी अकीदत के साथ इसको सुनते थे, उन्होंने अपनी अकीदत के साथ इस गाने को जोड़ा हुआ था, उनका ये मुकद्दस तरीन गाना था। अब हुआ क्या, उस वक्त जब ये 1960 के अंदर ये फिल्माया गया, उसमें इसके साज और इसके साथ जो आवाज थी, इसके ऊपर जो रक्स था, वो बड़ा अहमियत के हामिल था। अब नाज़रीन इकराम, अब ये जो गाना है मधुबन में राधिका नाचे, इसको अब एक नई अदाकारा ने जिनका नाम है जी कीनका कपूर, उन्होंने ये गाना दोबारा गा लिया है। अब यहां पर गाया नहीं, सिर्फ सॉस चेंज नहीं किए, पीछे आवाज चेंज नहीं की, बल्कि इसके ऊपर अमेरिकन एक्टर जो आज से पहले, आज आपको पता होगा कि आज से पहले उन्होंने बेहयाई की फिल्मों में, फैश फिल्मों के अंदर काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो एक बोल्ड एक्टर हैं, एक बेहयाई की एक्टर हैं सनी लियोन, और आज तक इन्होंने जो भारत के अंदर जो फिल्में हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर जो काम किया उसमें भी उन्होंने तमाम उन फिल्मों के अंदर काम किया जहां पर फिल्म इंडस्ट्री इन्हें मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल कर सके और बेहयाई की फिल्में बना सके, बेहुदा फिल्में बना सके, ऐसी फिल्में जो कोई भी शख्स अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं दे सकता, इस तरह की सनी लियोनी जो है वो फिल्में बनाती हैं नाज़रीन इकराम, या इनसे बनवाई जाती हैं। उन्होंने भारत के इस मुकद्दस गाने पर, भारतीयों का कहना है कि ये उनका मुकद्दस तरीन गाना है, उस पर सनी लियोनी ने डांस किया। अब वो डांस इस तरह का किया कि जिसने तमाम हदें क्रॉस कर दी, जिसने सनी लियोनी ने इस तरह का लिबास पहना, बिल्कुल शॉर्ट लिबास, बोल्ड लिबास, वल्गर किस्म का, ठीक है। उसके ऊपर भारत की जो मीडिया है वो तो खैर बोल रही है, भारतीय आवाम जो है वो ये कह रही है कि सनी लियोनी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, छोटी सी अपडेट नहीं है, यहां तक कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज के अंदर शोहरत पाने वाली अदाकारा, उसके बाद भारत की इंडस्ट्रीज के अंदर शोहरत पाने वाली अदाकारा, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कोई छोटी चीज नहीं है। यकीन माने, जिस तरह इस खातून, इस अदाकारा का कैरेक्टर है, इस तरह भारत के अंदर इसका एक नाम भी था और जानता तो तकरीबन हर कोई है, ठीक है, जो ऐसी हरकत करते हैं वैसे भी उनकी शिनाख्त बहुत ज्यादा हो जाती है। अब मजे की बात क्या है, भारत के अंदर जो फिल्में हैं जिनमें हमारे भारतीय नेता, भारतीय जो मिनिस्टर्स हैं, उनके हरकतों सकनात फिल्मों के अंदर आपके सामने, फिल्मी किस तरह उनका एक रोल होता है, किस तरह किरदार होता है, जिसके साथ दुश्मनी कर लेते हैं फिर कर लेते हैं। इस बार जो नरेंद्र मोदी सरकार की हकूमत के जो वजारत दाखिला है, उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज कह दिए। उन्होंने कहा कि अगर सनी लियोनी और कनिका कपूर का ये जो गाना है, अगर ठीक 3 दिन के अंदर अंदर ये गाना अगर रिमूव नहीं किया गया, डिलीट ना किया गया, तो इनके खिलाफ हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अब इनका एक्शन मेरे ख्याल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इनका एक्शन और भी बहुत से होते हैं, बहुत से इनके तरीकेकार होते हैं, बहुत से इनके जो है वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज होते हैं, लेकिन इस बार जो सनी लियोनी हैं फंस चुकी हैं, और मेरे ख्याल में पहली बार इतनी ज्यादा फंसी हैं कि आज तक उनको किसी भी ऐसे स्कैंडल का सामना करना नहीं पड़ा। वैसे तो बहुत से स्कैंडल्स उनकी अपनी जातियात के हवाले से होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पूरे हिंदू जो है
एक अक्सरियत हिंदुओं की, वो सब के सब सनी लियोनी के खिलाफ हो चुकी है। नाज़रीन कराम, ये गाना 1960 के अंदर गाया गया था, जिसको अब दोबारा नए अंदाज के अंदर गाया गया और नए धुन के साथ गाया गया, नए राग के साथ गाया गया। उसके ऊपर जो डांस किया गया, उस वक्त जो डांस था वो बड़ा एक रक्स टाइप था, बड़ा सुलझा हुआ था, लेकिन इस बार जो सनी लियोनी ने डांस किया वो बिल्कुल बेगयाई की तमाम हदें क्रॉस करके रखती। हम अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाजत दीजिएगा।